नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है और उस पर रुपये की क्या राय है। तो सबसे पहले कमोडिटी बाजार में शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर नॉन एग्री कमोडिटीज़ में सोने और चांदी से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त सोना इंटरनेशनल मार्केट में $1791 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यहीं से बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर भी आधे फीसदी की गिरावट के साथ $23.6 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में जो कल लेवल्स हमने सुबह के कारोबारी सत्र में देखे थे, आज सुबह के कारोबारी सत्र में भी लगभग वही लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सोने चांदी की कीमतों में अभी भी एक उठापटक का माहौल जारी है। बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि आज एक हल्की बढ़त बनती हुई नजर आई है। WTI आधे फीसदी की तेजी के साथ $70 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल आधे फीसदी की तेजी के साथ $73 पर। आपको बता दें कि जो ओपेक और उसके सहयोगी देश हैं उसमें अनुमान एक बार फिर से एस्टिमेट्स एक बार फिर से प्रिडिक्शन करी है कि जो 2021 की जो डिमांड है कच्चे तेल की वो एज इट इज़ रहेगी जैसे अभी देखने को मिल रही है, लेकिन 2022 के लिए जो डिमांड का जो आउटलुक था ओपेक ने वो बढ़ा दिया है और उत्पादन बढ़ाने पर बात पहले ही मीटिंग में हो चुकी है, जिसकी वजह से उत्पादन भी बढ़ा है और अब डिमांड भी 2022 में बढ़ती हुई नज़र आएगी। बात करें यहाँ से अगर बेस मेटल्स की, तो देख रहे हैं कि MCX जिंक निकल और लेड लाल निशान पर कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। कॉपर भी आज लाल निशान पर इंटरनेशनल मार्केट में कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि आज बेस मेटल्स का बाज़ार एक गिरावट के साथ खुलता हुआ नज़र आया है। तो आज किस नॉन एग्री कम्युनिटी में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। शुक्रिया रूपा जी। देख रहे हैं कि आज सोना चांदी की कीमतों में जो लेवल्स हमने कल के कारोबारी सत्र में सुबह के समय देखे थे वही अभी भी देखने को मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अब सोने चांदी की कीमतों में क्या रणनीति अपनाकर चलना सही रहेगा? देखिए, सोने और चांदी के ऊपर अभी दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऊपरी स्तरों से, और जैसा कि हम कल बात भी कर रहे थे कि बाजार जो है एक रेंज के बीच में फंस गया है, $1780 से लेकर $1820 के आसपास ये लेवल जो है वो देखने को मिल रहे हैं और अभी एक्सपेक्टेड है कि बाजार इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। आज इंटरडे की बात करें तो आज इंटरडे में सोना नीचे में 46,800 से लेकर 600 तक हो सकता है कि लुढ़कता हुआ दिखाई दे और उसके बाद वहां से ऊपर में 47,200 की एक रेंज बन सकती है। तो फिलहाल इंट्राडे में आज ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। $1780 के लिए सोने के अंदर आज भी क्वाली करके चला जा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी के अंदर भी ऊपरी स्तरों से दबाव बना है, आज इंट्राडे में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज चांदी के अंदर भी 63,000 का लेवल नीचे में हो सकता है कि टूटता हुआ दिखाई दे, तो इसलिए 62,800 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। रूपा जी, देख रहे हैं कि आज सोने चांदी कीमतों में वही लेवल्स देखने को मिल रहे हैं जो हमने बीते कारोबारी सत्र में देखे थे, आपको क्या लगता है आज सोने चांदी की कीमतों में क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, आज सोने और चांदी के अंदर बिकवाली करके चलना सही रहेगा और मेरे हिसाब से आज ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की जा सकती है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के लिए आज उसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। जी रूपा जी, इनसे बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि आज एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई है। काफी समय के बाद देख रहे हैं कि WTI ब्रेंट क्रूड ऑयल $70 और $73 पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कच्चे तेल में जो तेजी बनती हुई नजर आई है क्या यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग बनेगी या फिर यहाँ से तेजी जारी रह सकती है? देखिए, प्रॉफिट बुकिंग तो अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, अभी वापसी से बाजार $70 के ऊपर जिस तरीके से सस्टेन किया है तो मुझे लगता है कि $70 के ऊपर के बाद अब $72 से लेकर $73 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, यहाँ से बात करें बेस मेटल्स के बाजार की, तो देख रहे हैं कि आज बेस मेटल्स का बाजार लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे लेड हो, निकल हो, कॉपर हो, देख रहे हैं कि सारे ही बेस मेटल्स लाल निशान पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन बेस मेटल्स में क्या करके चलना सही रहेगा और क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आज जरूर बनी है बेस मेटल्स के अंदर, लेकिन ट्रेंड वही मैं बोलूंगी अभी भी पॉजिटिव है। कॉपर नीचे पे आज हो सकता है आपको 720 तक गिरता हुआ दिखाई दे, थोड़ा प्रेशर बन सकता है, लेकिन जब तक 700 के ऊपर है तब तक गिरावट की उम्मीद नहीं है, तेजी नहीं है, एक रेंज बाउंड है, आप देख सकते हो कि उस लेवल में घूमता हुआ नजर आ सकता है। आज इंट्राडे में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पॉजिटिव ही रहना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए। जिंक भी आज नीचे में 250 तक एक बार देखने को मिल सकता है, 250 से लेकर 248 तक की रेंज हो सकता है कि हमें जिंक में भी देखने को मिले, तो ऊपरी स्तरों पर आज मुनाफा वसूली हावी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अभी भी बाइंग की है। निकल आए नीचे में 1460 तक नीचे लुढ़क सकता है। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे वो कौन सी नॉन एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है?
देखिए नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो आज मुझे लगता है कि सोने और चांदी के ऊपर दबाव बन सकता है, सोने चांदी के अंदर आज दिवाली करके चला जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की, जाना कि कौन सी नॉन एग्री कमोडिटी में आज मुनाफा कमा के चल सकता है। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूँ ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।